तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ एन अनफिनिश टावर। अनफिनिश टावर का मतलब हुआ कि अभी टावर जो है बन रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अनफिनिश्ड टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। टावर के बेस से 75 मीटर के डिस्टेंस से अगर हम देखते हैं अनफिनिश्ड टावर को, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। तो जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड, इस पर ये जो है टावर है, ये अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है, अनफिनिश्ड टावर। यानी अभी टावर इतना दूर बना है, अभी और भी ऊपर बनेगा, अनफिनिश्ड टावर है। तो बता, अनफिनिश्ड टावर का जो टॉप है, अनफिनिश्ड टावर मतलब अभी पूरा बना नहीं, जितना बना है ना, जितना ऊंचा बना है उसी ऊंचा से हम देखते हैं कि वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना गया। बोलता है जितना बन गया है वो 75 मीटर के डिस्टेंस, ये हो गया हमारा 75 मीटर, ठीक है। इसके बेस से 75 मीटर का डिस्टेंस ये है, तो 75 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, तो अगर 30 डिग्री का जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, तो ये जो है बनाया कितना, 30 डिग्री। अभी अनफिनिश्ड है, जब अनफिनिश्ड है जितना भी टावर बना उस टावर के टॉप से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से देखते हैं मतलब यहाँ आई है, यहीं से देख रहे हैं तो 30 डिग्री के एंगल से ये दिखाई पड़ रहा है टॉप ऑफ द टावर। अभी अनफिनिश्ड है, पूरा बना नहीं है। अब कहता है कि हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेस्ट, इस टावर को और कितना ऊंचा करें, सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप ऑफ द सेम एट द सेम पॉइंट में भी 60 डिग्री। अब कहता है कि इस टावर को और ऊपर कितना ऊंचा करें कि इसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाए। इस टावर को और ऊपर कितना ऊंचा कर दें, ठीक है, यानी यहाँ तक तो है ही, तो मान लेते हैं कि हमने इतना ऊंचा कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने ये ऊंचा कर दिया है ना, टावर को रेज कर दिया, रेज्ड हाइट। रेस्ट हाइट ऑफ टावर है ना, ये हाइट जो है रेज किया हुआ है, रेज कर दिया हाइट का टावर है ना, टावर के हाइट को बढ़ा दिए। तो पहले जो एंगल 30 डिग्री था यहाँ से, अब इस टावर को जब हम ऊपर बढ़ा दिए, हाइट को बढ़ा दिए, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, कह रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो कि ये जो डायग्राम बन गया, जो पिछला डायग्राम था वैसा ही बना है, सेम डायग्राम बन गया, तो बनाने का मेथड भी सेम ही होगा। तो ये इसको हम ये मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। इस लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेस्ट, टावर को कितना ऊंचा पड़ेगा, ये एक्स मान लेते हैं, और जो ऊंचाई बढ़ाए हैं उसको हम वाई मान लिए, यानी ये सी डी को वाई मान लिए और बी सी को एक्स मान लिए, ठीक है। तब दो दो ट्रायंगल मिल गया, जैसे उधर बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये पूरे x प्लस y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकल जाएगा। दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 10 थीटा हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग बढ़िया से बना लेंगे, 10 30, तो 10 30, इसके सामने क्या है, x बाय
75 डिटेल में इस बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका पहला डिटेल में बहुत लिख चुके हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 10-30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स बाई ये ए बी हो जाएगा जो कि 75 है। तो इससे क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आप 10-30 का वैल्यू दे देंगे, इससे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ओके